कुछ टाइम पहले हमने एक वीडियो अपलोड की थी गुजर्स के ऊपर, जिस पे हमें बहुत सारे थ्रेट कॉल आए कि जान से मार देंगे, वीडियो हटा लो, ऐसा वैसा। तो हम सीपी में फिर से आ गए हैं यहाँ से लोगों से जानने के लिए कि वो एक्चुअल में गुजर्स के बारे में क्या सोचते हैं। हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू कुछ नहीं दिया है, हमारे लिए सब इंसान होते हैं। लेट्स सी कि लोग क्या सोचते हैं गुजर्स के बारे में। गुजर का नाम जब आप सबसे पहले सुनते हो, गुजर कम्युनिटी, तो आपके दिमाग में क्या थॉट आता है? आरक्षण रिजर्वेशन मांगते हैं। गुजिया इंसान। माय हस्बैंड इज अ गुजर। पैसा, फिजिक, हेल्थ, गाड़ियां, देसी बना। उनको आरक्षण दे दो बस। टॉल गाय, जाट, गंवार टाइप्स, गुंडागर्दी करने वाले। मेरा गुजर बहुत बढ़िया है ऐसे मुझे लगता। वैसे उससे पहले मेरे गुजरों के बारे में राय थोड़ी अलग सी थी, ऐसे थोड़ा गुंडे से होते हैं। कुछ लोग होते हैं ये सोचते कि यार ये गुजर है, ये तो बदमाशी फैमिली से, बैकग्राउंड से वो करता होगा, लिंक होता होगा इसका। इसकी कौम ऐसी नहीं है, लोगों ने बना रखी है। इफ एजुकेटेड देन इट्स गुड, बिकॉज वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज एजुकेटेड, इज वेरी सेंसिबल, बट देयर इज कैटेगरी एज वेल, पीपल आर ड्रंक, विंडो ओपन खोला, रूफ टॉप, एंड देयर यू नो ड्रिंकिंग, बॉटल नीचे जमीन पे, तो दैट इज वेरी डिफरेंट साइड ऑफ द सेम कम्युनिटी। इतने ज्यादा रिस्पेक्टफुल मैंने ये भी सुना था, बड़े बदतमीज होते हैं। वो बदतमीज भी नहीं होते भाई, बढ़िया बढ़िया लड़के होते हैं सारे चीज़ें। बस यही है गुजरों के बारे में, ये देख के पहचाना जा सके कि ये वाला भाई या लड़का या आदमी ये गुजर होगा। अरे इता जा, अरे आजा, अरे बदमाशी ना दिखाई है मैंने। बाय हिज कार और बाय हिज बॉडी, उसकी बोली बता देती है, उनका वे ऑफ टॉकिंग, उसकी चाल बता देगी, वो लगे गुजर आ रहा सामने। अच्छा, आपको क्या लगता है कि वो लड़कियों को ना किस टाइप का उनका पर्सपेक्टिव होता है, लड़कियों को कैसे ट्रीट करते हैं? दे डेफिनेटली दे डू नॉट रिस्पेक्ट वुमेन, दैट्स व्हाट आई नो। तो उनके लिए एक दिमाग में एक थोड़ा होता है कि गर्लफ्रेंड्स को ऐसे, यू नो, हाउसवाइफ्स को ऐसे रखना है, गर्लफ्रेंड्स को ऐसे रखना है। हाउसवाइफ को तो घर पे रखने के लिए लेते हैं, और गर्लफ्रेंड्स के लिए आई एम नॉट श्योर। चाहे वो कितने भी पढ़े लिखे हो, या कुछ ऐसे होते हैं गांव के होते हैं जो दिल्ली वगैरह में नहीं आ पाते पढ़ने के लिए, बट उनमें एक चीज़ होती है कि वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं अपने मॉम या सिस्टर वगैरह होते हैं, और जो पढ़े लिखे होते हैं वो उनको पुश करते हैं कि जाओ आप करो जो आपका मन है। वाइफ उनको तो ऐसी चाहिए कि हाँ भाई घर में है तो घर में ही रहे, खाना बना रही है तो खाना ही बनाए, और सबसे बड़ी चीज़ एक वो घूंघट। और गर्लफ्रेंड अपने हिसाब से जीती है, उसको वो है भाई मैं तो अपने हिसाब से जीऊंगी जब तक शादी नहीं होती। तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, इट्स नॉट अबाउट अ कम्युनिटी। वो गर्लफ्रेंड को भी सेम तरीके से ही ट्रीट करते हैं। ऐसा क्यों होता है उनके अंदर? उनके अंदर लड़कियों के लिए कोई रिस्पेक्ट ही नहीं होती है। मे बी देयर कल्चर डजंट अलाउ देम टू, दे डाउनग्रेड और से मतलब ज्यादा उनको वो नहीं करते, बट दे आर केप्ट एज अ मतलब शूलेस, पैर के नीचे ही रखना है टाइप, और ये और वो। दे ट्रीट वुमेन वेरी वेल, एंड लेट मी टेल यू, हाँ दे इज अ वेरी ड्रॉबैक कि वो अपनी लड़कियों की शादी बहुत ज़्यादा जल्दी एज में कर देते हैं, लाइक दे आर वेरी यंग, 10th 11th क्लास में होती हैं वो जब उनकी शादी हो जाती है। इट्स ऑल अबाउट कि उनका माइंड सेट कैसा है, जो गाँव में रहता है उसका माइंड सेट उस तरह से होगा, जो बाहर रहता है उसका माइंड सेट उस तरह से होगा। एंड दे स्टिक टू दैट नोशन ऑफ लाइफ कि वुमेन मतलब डाउनग्रेड, शी इज नॉट अलाउड टू शो हर फेस, नॉट अलाउड टू सिट विद द मेन इन द सर्कल, वो अलग ही उसमें रहेंगी। तो ये एक सी है। किसी गुजर को डेट करना चाहोगे आप? इट्स अ पेन, नो आई वुड डेफिनेटली नॉट वांट टू डेट अ गाय, सॉरी मैं नहीं करती। रीजन? बिकॉज वो होते ही नहीं, अच्छे ही नहीं होते, उनकी फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं होता, इसलिए। दे आर वेरी रूड, दे डोंट टॉक पोलाइटली फॉर श्योर, एंड गांव वाली वुमेन, काम घर पे काम काज करने वाले, एंड दे वुड डेफिनेटली नॉट रिस्पेक्ट वुमेन हु गो आउट फॉर वर्क। ऐसी क्यों सोच बना ली हमने गुजर्स के ऊपर? सारे तो शायद ऐसे नहीं होंगे। आप किसी पब में भी जाओगे ना और गुजर जा रहे होंगे साथ में, 2-3 बॉडी बिल्डर उनके साथ चल रहे होंगे, उनको देख के ही आपका दिमाग ऐसे खराब हो जाएगा यार, क्या अच्छी मतलब यक वाली फीलिंग एकदम। ऐसा होता है कि ना उनको देख के बहुत ही नेगेटिव वाइब से आते हैं, वी डोंट फील सेफ विद देम। गुजरों में सबसे ज्यादा चीज क्या और सबसे कम चीज क्या? जितना मेरा इंटरेक्शन रहा, आई थिंक दे आर वेरी वेल बिहेव्ड, हार्डकोर ऑन आउटसाइड एंड सॉफ्टकोर ऑन इनसाइड। और पैसा और दिल बड़ा होता है, ठीक है, और कमी थोड़ी सी, क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा होता है तो इतनी मतलब फ़र्क नहीं पड़ता ना, तो एजुकेशन की थोड़ी सी कमी रह जाती है। दिमाग बुद्धि ज़्यादा होती है उनमें, कम होती है, शरीर ज़्यादा होता है ना। सबसे कम होती है उनमें अकल, और सबसे ज़्यादा होता है उनमें अड़ियलपना, बदतमीज़पने से बात करना। गुजर लोग बोस्ट ऑफ करते हैं अपने आप को किसी चीज़ को लेके। हाँ, दे आर बिकॉज आई एम सीइंग सर्टेन कास्ट एक्सेट्रा, मतलब उसके पीछे गुजर लिखा होता है, तो आई लाफ अपॉन अ थिंग बिकॉज इट इज नॉट अ थिंग टू बी बोस्टेड अपॉन। इफ आई से आई एम अ सूर्यवंशी
सूर्यवंशी क्षत्रिय, सो वॉट मेरी फौज कहाँ है तो वो तो नहीं है ना, आप नहीं है तो वी बिलोंग टू सूर्यवंशी क्षत्रिय, राजा राम के फैमिली से आते हैं, मगर हम राम का झंडा लेके थोड़ी ना घूमने लग जाएंगे। अब इसमें बहुत पैसे हैं हमारे पास खेते हैं, हमारे जमीनें मुआवजे में गई हैं, ये सब होता है उनके पास। लड़की गाड़ी महंगी ले लेंगे तो लड़की पट जाएगी इजीली। दोनों टाइप के लोगों से मिली हूँ। हाँ, आई नो सम पीपल जो बहुत ज़्यादा पैसों का धौंस दिखाते हैं, ऑल्दो उन्होंने कुछ नहीं किया, उनके बाप दादा एंड जो उनके ये NCR में जो ज़मीनें गई हैं उसमें वो लोग कमाते हैं, बट बहुत लोग ऐसे भी हैं जो एक्चुअल में काम करते हैं एंड दे आर रियली इन टू लाइक हार्ड वर्क। पटाता कैसे लड़कियों को? लड़कियां तुरंत पड़ जाती हैं यार उनसे पैसा देख के।